ओम शांति। और दादी जी से मेरा बहुत प्यार था, दादी का मेरे से था। मैं छोटी थी, दादी मुझे बहुत प्यार करती थी। पटना से भी जब आई थी तो उस समय भी सेंटर के अंदर इतनी संपन्नता नहीं थी। दादी जी ने मुझे कहा, देखो तुम्हें कढ़ी बनानी हो तो कैसे बनाओगी, बेसन भी ना हो दही भी ना हो तो क्या करेंगी। मैंने कहा दादी कैसे बनाएंगे, कहा तुम आलू बॉयल करो, मैं सिखाती हूँ। दादी ने मुझे आलू की कढ़ी सिखाई। आलू बॉयल किया, कुछ आलू तो दादी ने रख लिए, कुछ को मैश कर लिया, कुछ के टुकड़े तैयार कराए, जो मैश का घोल बनाया उसमें थोड़ा सा नींबू डाला, खट्टा हो गया, मसाले डाले और वही आलू थोड़ा सा फ्राई करके और उसमें डाल दिया। कहा देखो अच्छी कढ़ी बन गई ना, और बनाया, प्रेम से खाया खिलाया। तो दादियों को अपने सुख के लिए कुछ भी नहीं था कि हम अपने टेस्ट को देखें, काम कैसे करें। और ये दादियाँ खिचड़ी बनाती थी, खिचड़ी का मार निकाल करके उसको रख लेती थी, उसको पसा के, और खिचड़ी सूखी अलग हो गई और माड़ में एक चम्मच बेसन डाल देती थी। घोल बना के पका लिया, छौंक लगा के तड़का दे करके वो कढ़ी बन जाती थी। तो खिचड़ी खाती थी और माड़ की कढ़ी खाती थी। इस तरह से दादियों ने अपने जीवन को बहुत बहुत त्यागमय जीवन, तपस्या की जीवन बिताई।